अस्सलाम वालेकुम। जिस टॉपिक पे मैं आज बात करूंगी वो टॉपिक का नाम है इस्लामोफोबिया इन इंडियन कैंपसेस। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपने लेक्चर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं। पहले हिस्से में मैं इस्लामोफोबिया क्या है, इस्लामोफोबिया का डेफिनेशन क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, हम जब इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल करते हैं कि ये इस्लामोफोबिक है या ये स्टेट इस्लामोफोबिक तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर वी रिफरिंग टू। अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से में मैं ये जिक्र करूंगी कि हमारे इंडियन कैंपसेस में, चाहे वो JNU हो गया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया या जामिया मिलिया हो गया, वो सारे फीचर्स और वो सारे कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ इस्लामोफोबिया हमारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में मौजूद है या नहीं। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर में मैं ये बता दूं शुरुआत में ही कि सलमान सईद का जो लिखा हुआ आर्टिकल है, इट इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ इस्लामोफोबिया। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सब वो आर्टिकल को पढ़ें, क्योंकि वो आर्टिकल बहुत लंबी आर्टिकल नहीं है और इसमें बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड में और बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस्लामोफोबिया क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं और why it is important for us to use this term Islamophobia. तो हम इस पर हम कुछ बातें कर ले for a few minutes. हम Islamophobia can be related to a term like casteism in India. हम जब casteism बोलते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? Casteism can include anything between using a casteist slur against people belonging to underprivileged castes, and from that to incidents of mass caste violence. So anything from between this to that. So वही एक individual lower caste इंसान को आप casteist गाली देना और वहां से लेकर एक कास्टिस्ट मैसेकर होना, यहां से वहां तक लेकर जितने भी इंसिडेंट्स ऑफ कास्टिस्ट बिहेवियर एंड कास्टिस्ट इंसिडेंट्स हैं, उसको हम कास्ट वायलेंस या कास्टिज्म में इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए कास्टिज्म एज अ वर्ड, कास्ट वायलेंस एज अ वर्ड बहुत यूजफुल है हमारे लिए फॉर अ कास्टिस्ट सोसाइटी लाइक इंडिया। तो इस्लामोफोबिया भी वैसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं कि एनीथिंग फ्रॉम रिफ्यूजिंग अ वुमन अ जॉब, अ मुस्लिम वुमन अ जॉब, कि हम हिजाब पहनते हैं तो आप हमें नौकरी नहीं देंगे, आप हमें कहेंगे कि नहीं, ऐसे जो रिलीजियस अपैरल है, रिलीजियस जो आपका पहनावा है, वो हमारे वर्क प्लेस में नहीं चलेगा। इससे शुरू करके इंसिडेंट्स ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये सारे इंसिडेंट्स बीच बीच में जो हो सकता है, वो चाहे हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स, चाहे इस्लामोफोबिक स्लर्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, या चाहे वो मस्जिदों पर हमला करना, बीच में हम एग्जांपल्स इंशाल्लाह और देंगे अपने लेक्चर में, सारे इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस कैन बी इंक्लूडेड इन द टर्म इस्लामोफोबिया। तो सलमान सर यही कहते हैं कि इस्लामोफोबिया एज अ वर्ड, इसकी जरूरत क्या है, इसकी खासियत क्या है, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के डिस्क्रिमिनेशन और अलग अलग किस्म के हॉस्टिलिटी एंड एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, वो चाहे एक इंसान करे या चाहे वो स्टेट करे, वो सारे इंसिडेंट्स, वो सारे एग्जांपल्स इस्लामोफोबिया वर्ड के अंदर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दैट इज द यूटिलिटी ऑफ द टर्म इस्लामोफोबिया। इसलिए हमें ये लफ्ज को इस्तेमाल करना, मेन स्ट्रीम में इसे लाना और इसे पॉपुलराइज करने की बहुत जरूरत है। तो पहले हम डिफाइन कर लें, सलमान सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इस्लामोफोबिया अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सलमान सईद? इस्लामोफोबिया इज अ फॉर्म ऑफ रेशियलाइज्ड गवर्नमेंटलिटी। इट इज मोर देन प्रेजुडिस और इग्नोरेंस। इट इज अ सीरीज ऑफ इंटरवेंशंस and classifications that affect the well-being of populations designated as Muslim. तो यहाँ पे अगर कोई आपको, आपके मुस्लिम आइडेंटिटी होने पर आपको इंसल्ट करे,
या चाहे आपको नौकरी देने से इनकार करे। ये सिर्फ इंटरपर्सनल लेवल की एग्जाम्पल्स नहीं है। इस्लामोफोबिया सिर्फ इस तक महदूद नहीं है कि आपको नौकरी नहीं दे तो वही इस्लामोफोबिया है। नहीं, इस्लामोफोबिया एक पूरा एक सोशियो पॉलिटिकल एक एटमोस्फियर है, सोशियो पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ऐसे एग्जाम्पल्स होना पॉसिबल है, जिसमें इट इज ओके टू अटैक अ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज आइडेंटिटी, जैसे नजीब अहमद के साथ हुआ था JNU में। इट इज पॉसिबल टू अटैक द लाइब्रेरी और द मॉस्क ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, क्योंकि वहां पे मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, क्योंकि वो एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट का वो हिस्सा है। तो आप समझ सक रहे हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस और इंसिडेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हॉस्टिलिटी हो सकती है, जो एक सोशियो पॉलिटिकल एटमोस्फियर में पॉसिबल है कि इट इज ओके फॉर एनीवन टू बिहेव इन दिस वे, वो इस्लामोफोबिया होता है। इस्लामोफोबिया इज मेक्स पॉसिबल एन एटमोस्फियर वेयर इट इज ओके टू डिमोनाइज मुस्लिम्स। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे एक टेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ स्कैटर्ड एक दो एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरा एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको इसमें गहराई में जाने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हुए, कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लामोफोबिया के अंदर हम कौन कौन से एक्ट्स ऑफ वायलेंस हम इंक्लूड कर सकते हैं, उस पर नजर डाल रहे हैं। जो भी मुसलमान हैं, जो भी मुसलमान नाम हैं, उन पर हमला करना, कोई भी प्रॉपर्टी जो एक मुस्लिम प्रॉपर्टी है, यू नो, बी इट अ यूनिवर्सिटी, यू नो, यूनिवर्सिटी लाइक AMU और जामिया, और बी इट बाबरी मस्जिद, उस पर हमला करना। फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करना कि नहीं, आपकी तो दाढ़ी है तो हम मतलब इवन विदाउट सेइंग यू कैन इम्प्लाई कि अगर किसी की दाढ़ी है तो हम उसको वाइवा एग्जाम्स में इसको हम कम नंबर देंगे, या इसको अपने सेंटर में हम एडमिशन लेने नहीं देंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। एक्ट्स ऑफ इंटिमिडेशन के आप पब्लिक में पुलिस का रवैया देख लीजिए, या संघ परिवार का, जो वो बहुत सारे ऐसे मोबिलाइजेशन करते हैं अपने आप को, दे शो दे एक्ट्स ऑफ स्ट्रेंथ, दे शो दे एक्ट्स ऑफ इंटिमिडेशन इन पब्लिक टू स्केयर मुस्लिम्स, ये भी इस्लामोफोबिया है। और बहुत सारे पब्लिक कॉमेंट्स, मुल्ला मुल्ला एक हैज बिकम लाइक एन इस्लामोफोबिक स्लर यूज अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये चाहे वो असम में मिया वो जैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमको ऑफ वॉट इस्लामोफोबिक एलिमेंट्स कैन बी। लेकिन इससे एक स्टेप आगे बढ़ के हम देखते हैं कि इसमें रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का रवैया क्या रहता है यहाँ पे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देख लीजिए, क्या हमारे स्टेट में ऐसे एंटी टेरर लॉज हैं, ऐसे लॉज लाइक UAPA हैं, जिसके वजह कर मुस्लिम्स खास तौर पे वल्नरेबल होते हैं? यस, हाल में ही जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स जो अरेस्ट हुए हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट जो अरेस्ट हुए हैं, उन पर UAPA लगाया गया है। तो इस UAPA, यू नो, UAPA, पोटा, टाडा वगैरह वगैरह जो सारे एक्ट्स हैं, एंटी टेरर लॉज हैं, उसमें मुसलमानों को खास तौर पे हरेस किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, और उनको पूरा मार्जिनलाइज किया जाता है, डराया जाता है उनको। दैट इज वन। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी देख लीजिए आप, यूपी में हमारे, नॉट जस्ट यूपी, मेनी अदर स्टेट्स, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, लव जिहाद लॉज, एंटी काउ स्लॉटर लॉज, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिसकी वजह कर मुसलमानों को हर दिन एक स्टेट ऑफ फियर एंड अ स्टेट ऑफ इंटिमिडेशन हर दिन महसूस करना पड़ता है, चाहे वो जेल के बाहर हो, फिर भी महसूस करना पड़ता है, ये डर का एहसास रहता है ये। और एंटी मुस्लिम वायलेंस कोई करे, आप यहाँ पे लिंचिंग्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी लोग लिंचिंग्स में पकड़े गए थे, पकड़े तो जाते नहीं है एनी वे इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर वो उन्हें अगर देखा भी गया खुलेआम, वो फॉर एग्जाम्पल पहलू खान के साथ अखलाक के साथ जो हुआ था, उनको कभी भी स्टेट पिनलाइज नहीं की। एंटी मुस्लिम जो विजिलेंटीज हैं, एंटी मुस्लिम क्रिमिनल्स जो हैं, जो मुसलमानों पर
मुसलमानों का खून किए हैं, दे आर नॉट ब्रॉट टू जस्टिस. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इस्लामोफोबिया ऑफ द स्टेट कि मुसलमानों का अगर खून कर रहे हैं तो यू कैन गो, यू कैन बी स्कॉट फ्री. और मुस्लिमनेस की जो एक रिलीजियस एक्सप्रेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ये वो इंस्टीट्यूशन सेटिंग में भी होता है, ये स्टेट सेटिंग में भी होता है कि मस्जिद बनाने नहीं देना, अगर कोई मस्जिद है तो उसको डिमोलिश कर देना, नमाज पढ़ने नहीं देना. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इस्लामोफोबिया. सो इसके वजह कर क्या होता है, मुस्लिम पॉपुलेशन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है कि हम एक अपनी इफ आई हैव इफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी द राइट टू प्रैक्टिस माई रिलीजन विदाउट फियर, आई एम नॉट एबल टू प्रैक्टिस माई रिलीजन विदाउट फियर. और वो एक राइट की वजह कर हम अपने सारे राइट्स भी खो देते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. चूंकि हम मुस्लिम हैं, चूंकि हम मुसलमान हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, और आपकी सीए रिजीम में तो राइट टू बी, राइट ऑफ बीइंग अ सिटीजन, वो भी हम खो चुके हैं शायद. तो एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ द एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ हैविंग टू प्रूव माई ह्यूमैनिटी, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इस्लामोफोबिया, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इस्लामोफोबिया एंड एंटी मुस्लिम वायलेंस इन सोसाइटी एंड इन द स्टेट. तो हम आगे बढ़ते हैं. इस्लामोफोबिया एक तो फिर हम डेफिनेशन ऑफ फीचर्स अगर हम कर लिए हैं तो फिर हम देखते हैं कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोलिटिकल एक्ट ऑफ यूजिंग इस्लामोफोबिया. कि हम जब कह रहे हैं, हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं ये लफ्ज का इस्लामोफोबिया, इट इज अ वेरी पोलिटिकल एक्ट. बहुत सारे लोगों को इससे इतराज होगा कि आप इस्लामोफोबिया तो नहीं है, आप ये नया पॉलिटिकल करेक्टनेस आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. मुझे अच्छी तरह याद है मेरे खुद के तजुर्बे में, जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स थे कम्युनिस्ट पार्टी से, जो कुछ साल पहले ही कहते थे कि इस्लामोफोबिया एक जार्गन वर्ड है. तो इस्लामोफोबिया एज अ वर्ड, इसको मेन स्ट्रीम में लाना, इट्स अ वेरी पोलिटिकल एक्ट. और ये मैं कहूंगी कि इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव एक्ट. क्योंकि हम जितने सारे एलिमेंट्स ऑफ इस्लामोफोबिया आपके सामने हम जिसका हम जिक्र किए हैं, जो यू नो अटैक्स ऑन मुस्लिम्स, अटैक्स ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टीज, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रोल, उसमें तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी करती है या सिर्फ एक पॉलिटिकल सेटिंग में होता है या सिर्फ एक स्टेट में होता है. इट इज अ इस्लामोफोबिया इज अ वेरी डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट एंड कॉलिंग आउट इस्लामोफोबिया इज अ वेरी डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट. हम चाहे जितने भी बाइनरीज, हम बहुत कंफर्टेबल से बाइनरीज हम इस्तेमाल करते हैं ना पॉलिटिक्स में, बीजेपी वर्सेज नॉन बीजेपी, कांग्रेस वर्सेज नॉन कांग्रेस, फैशिस्ट वर्सेज नॉन फैशिस्ट, ये सारे बाइनरीज थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं इस्लामोफोबिया में. क्योंकि इस्लामोफोबिया इतना वाइड स्प्रेड है, इतना प्रेवलेंट है कि इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं वो इस्लामोफोबिक नहीं है, सिर्फ वो इस्लामोफोबिक है. एंटी मुस्लिम वायलेंस जब हम प्रेजेंट रिजीम की हम जब बातें कर रहे हैं तो सिर्फ एंटी मुस्लिम वायलेंस नॉट जस्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, हम एंटी मुस्लिम वायलेंस ऑफ द एंटी मुस्लिम कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट एज अ फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट, वो एंटी मुस्लिम है. तो यहां पर भी हम एक बहुत पॉलिटिकल रोल ऑफ कॉलिंग आउट इस्लामोफोबिया हम लोग वो कर रहे हैं, हम लोग ये बहुत फाउंडेशनल बेसिस में चले जा रहे हैं कि इस्लामोफोबिया होता क्या है. तो वहां पे इट बिकम्स अ वेरी डिस्ट्रप्टिव एक्सरसाइज. देन फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि इस्लामोफोबिया इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन. आप लोग शर्जील इमाम को देख लीजिए, आप लोग उमर खालिद को देख लीजिए, ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स अमंग मुस्लिम्स अगर रहेंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि इस्लामोफोबिया होगा. दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ इस्लामोफोबिया. कि ये कहना कि मुसलमान तो बहुत रेडिकलाइज हो रहे हैं, बहुत वायलेंट हो रहे हैं, इसलिए इस्लामोफोबिया इज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन. वायलेंट हो रहे हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हम अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, हम अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं. दैट डज नॉट मीन बीइंग एक्सट्रीमिस्ट, दैट डज नॉट मीन बीइंग वायलेंट. फिर
सलमान सईद के आर्टिकल को रेफर करते हुए फिर से हम बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कहेंगे. व्हाट इज डी इस्लामाइजेशन? हम लोग जेनोसाइड के बारे में तो बहुत हम बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया इज इक्वल टू जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स, लेकिन इस्लामोफोबिया इज ऑल्सो इक्वल टू डी इस्लामाइजेशन. और यहां पे कई सारे एग्जाम्पल्स सलमान सर दिए हैं, एंड आई विल कॉल देम, रीड देम आउट टू यू. पहले तो 1492 में गर्नाडा में जिस तरह से मुस्लिम्स के खिलाफ जो इतना ज्यादा हॉस्टिलिटी था, उसकी वजह कर वो कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट कर गए. एक पूरा लाइक अ होल मुस्लिम पॉपुलेशन गॉट डी इस्लामाइज्ड. वो लोग अपने मुस्लिम अपने दीन से अपने रिलीजन से वो हट गए. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? अफ्रीकन स्लेव्स इन अमेरिका. जितने भी स्लेव्स जो अफ्रीका से अमेरिका उनको ले जाया गया था, मेनी ऑफ देम वर मुस्लिम्स. और फिर वो यूएस में जाके दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. सो इट इज वेरी ऑटोमेटिक दैट दे वर आल्सो स्ट्रिप्ड ऑफ देयर रिलीजन. तीसरा एग्जाम्पल ये है डी इस्लामाइजेशन बाय कम्युनिस्ट रिजीम्स इन स्टेट्स लाइक अल्बेनिया. तो ये तीन एग्जाम्पल्स जो ग्लोबल स्केल में हम देख रहे हैं, हमें ये भी पूछने की जरूरत है कि ये इंडियन सेटिंग में भी प्रेवलेंट है या नहीं. डज द इंडियन स्टेट ऑल्सो शो एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सिंग मुस्लिम्स टू डी इस्लामाइज देमसेल्व्स? फिर हाँ, तो लास्ट में हम यही बोलेंगे, अपने पहले हिस्से का लास्ट पॉइंट हम यही बोलेंगे कि इस्लामोफोबिया को कॉल आउट करना, टू नेम इस्लामोफोबिया एंड टू कॉल आउट इस्लामोफोबिया, दिस इज एन इंटरप्रेटिव एक्टिविटी. और इस मतलब जैसे हम समझाते हैं आपको, सॉरी यहां पे हम थोड़ा सा वक्त और लेंगे. अगर हम अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे तो आई नीड टू नो ए टू जेड द अल्फाबेट. दैट इज अ रीडिंग एक्टिविटी, दैट इज टू बी एबल टू रीड. अगर हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे शेक्सपियर, तो अंग्रेजी की ए टू जेड जाने बगैर हम शेक्सपियर को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली, टू बी एबल टू इंटरप्रेट इस्लामोफोबिया, आई नीड टू बी एबल टू गेट द कोड्स ऑफ व्हाट इस्लामोफोबिया इज. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मैं जब कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन लेवल में, हम क्लास में एक बार टेररिज्म पढ़ रहे थे. तो मेरे बगल में मेरी एक दोस्त थी, वो मुझे ऐसे मजाक में बोली, वी विल बी स्टडिंग अबाउट यू. मुझे थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा बुरा लगा कि ये मुझे ऐसे क्यों बोली, बट मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया. मैंने बैक इन कॉलेज आई डिड नॉट हैव द इंटरप्रेटिव कोड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इस्लामोफोबिया इज. इस्लामोफोबिया को रिकग्नाइज करना और बताना कि ये चीज जो ये बात जो मुझसे कहा गया या ये हरकत जो मेरे साथ किया गया, दैट इज इस्लामोफोबिया. तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाना, इफ दिस इज अ रेजिस्टेंस देन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दैट रेजिस्टेंस मस्ट ऑल्सो बी गिवन. और यहां पर जिम्मेदारी आती है ऑनेस्टली हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की. We need to identify what are the building blocks of, what are the codes of reading Islamophobia. What are the codes by which we can call out Islamophobia? A is Islamophobia. B is Islamophobia. These three acts are all Islamophobia. हम ज़्यादा वक्त लिए बगैर हम जल्दी से अपने लेक्चर के सेकंड हिस्से में आते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं, जहां पे हम एनालाइज करेंगे कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में इस्लामोफोबिया है या नहीं. सारे फीचर्स डेफिनेशंस अगर प्लीज आप याद रखिए मेरे लेक्चर के फर्स्ट हाफ से. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी, और यहां पे हम जेएनयू को कुछ एग्जाम्पल देंगे बिकॉज बींग अ स्टूडेंट ऑफ जेएनयू, हम कुछ रेफरेंस पॉइंट लेंगे जेएनयू से. The university is seen as a field of free flow of ideas and identity. कि यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, कोई भी यहाँ आके पढ़ सकता है, हम तो किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते. ये आइडिया है ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑफ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी. लेकिन द रियालिटी इज वेरी डिफरेंट.
जेएनयू के ऐसे अब्दुल नफी कमेटी रिपोर्ट के एक के मुताबिक और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देखा जाता है कि जो वाइवा होता है एग्जाम, जो वाइवा एग्जाम होता है एमफिल और पीएचडी लेवल्स में, इसमें लोगों के खिलाफ बहुत सब्जेक्टिव बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव मतलब आप एक एग्जाम में 10 on 30 आपको क्यों मिला है आप शायद देख पाएंगे कि ठीक है 30 में मुझे 10 मिला है या 50 मार्क्स में मुझे 40 मिला है ऐसे करके। लेकिन वाइवा एग्जाम में जहां पे बात होती है, सिर्फ इट्स नॉट अ रिटन एग्जाम, इट इज अ कॉन्वर्सेशन, वहां पे अगर आपको 30 मार्क्स में 3 मिलेगा या 4 मिलेगा तो आप फिर सोच में पड़ जाएंगे ना कि क्यों ये क्यों हुआ। एंड एग्जामिनर जो है, आपको जो वाइवा एग्जामिनर है, दे विल बी एबल टू जस्टिफाई के ओके नॉट फाउंड सूटेबल, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, आपके आइडियाज जो हैं वो कुछ हमारे सेंटर से मैच नहीं करते हैं। तो ये जो डोमेन है ऑफ द वाइवा एग्जाम्स, दैट लीव्स अ लॉट ऑफ रूम ओपन फॉर कास्टिज्म, फॉर इस्लामोफोबिया। और यहां पर जो है, यहां पर यूनिवर्सिटी का जो वेरी अथॉरिटेटिव टेंडेंसी है उसका हम नजरिया देखने को हम मिलता है यहां पे, दैट इज अ ग्राउंड फॉर एक्सरसाइजिंग वेरी रैंडम एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स। और मेरे नॉलेज में ये ऐसा तो बहुत हुआ है कि वाइवा एग्जाम्स में कोई मुस्लिम स्टूडेंट से पूछा गया है, अच्छा तुम्हारी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों है, अच्छा आप हिजाब क्यों पहनती हैं, व्हाई डू यू वेयर हिजाब। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इस्लामोफोबिया। और ये जो आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी एज अ फ्री स्पेस ऑफ डिसेंट, खासतौर पे डिसेंट हम जेएनयू में बहुत अच्छा लगता है हमको ये लफ्ज इस्तेमाल करने में, दैट आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इज डिस्टर्ब्ड कि उतना फ्री फ्लो तो नहीं है, इतना फ्री फ्लोइंग तो नहीं है, देर आर सम आइडेंटिटीज विच विल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ इस्लामोफोबिया देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में पुलिस का आना, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में मुसलमानों पर हमला करना, मुस्लिम स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज करना, उन पर रैंडम एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी, रैंडम एक्ट्स ऑफ इनजस्टिस उनको करना, गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाना, एबीवीपी स्टूडेंट्स कैंपस हॉस्टल के अंदर जाके मुस्लिम स्टूडेंट्स को डराना, उनको धमकाना, उनको जख्मी कर देना, दैट इज अ बिग फॉर्म ऑफ इस्लामोफोबिया जो अभी के दौर में बहुत कॉमन हो गया है। और हम जानते हैं कि एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या हुआ था इन पिछले साल 2019 और 2020 में, जब एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो व्हाट वाज द रैमिफिकेशंस ऑफ दैट इन जामिया मिलिया एंड एएमयू, हम देखे थे वो अटैक्स ऑन प्रॉपर्टी है, हम बोल चुके हैं, लाइब्रेरीज में अटैक करना, जो लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लैपटॉप्स तोड़ देना, जामिया मिलिया की जो मस्जिद है वहां पे हमला करना, दैट इज ऑल्सो इस्लामोफोबिया। एक्ट्स ऑफ इंटिमिडेशन की तो जरूरत नहीं है फिर से बताना, पुलिस यूनिवर्सिटी में घुसना ही इज एन एक्ट ऑफ इंटिमिडेशन, पुलिस हैज नो बिजनेस इन अ यूनिवर्सिटी, और खास तौर पे जब वो अथॉरिटीज की इजाजत से जब आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का लेवल ऑफ इंटिमिडेशन हो रहा है उस यूनिवर्सिटी कैंपस में। फिर डिस्क्रिमिनेशन करना इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में, जिस तरह से मैंने बताया कि वाइवा एग्जाम में डिस्क्रिमिनेशन करना किसी के खिलाफ, उनके मुस्लिम आइडेंटिटी होने की वजह से, उनके अगर इफ दे लुक मुस्लिम उसकी वजह कर उनको अदराइज करना, उसकी वजह कर उनको एक्सक्लूड करना, दैट इज इस्लामोफोबिया। पब्लिक कॉमेंट्स इस्लामोफोबिक कॉमेंट्स बहुत, ये भी तो बहुत आम हो गया है। और यहाँ पे मैं याद करना चाहूंगी कि नजीब अहमद के खिलाफ जो हमला हुआ था, उन पर जो हमला हुआ था और उसके बाद उनको जो फोर्सिबली डिसअपियर किया गया था 16th अक्टूबर 2016 जेएनयू कैंपस से, दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एग्जाम्पल्स ऑफ इस्लामोफोबिया ऐसे कैंपस में जो अपने आप को बहुत डिसेंट लविंग और सेफ और एंटी फैशिस्ट समझता है, लेकिन वहां भी इस्लामोफोबिया मौजूद है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि इस्लामोफोबिया एज अ डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट हर जगह मौजूद है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी और नॉन बीजेपी, फैशिस्ट और एंटी फैशिस्ट। और हाँ,
जहां बात में कर रही थी इस्लामोफोबिक कमेंट्स के, जब नजीब अहमद पर हमला हुआ तो उस हॉस्टल में जहां वो रहते थे उसके हॉस्टल टेबल में, मेस के टेबल पे लिखा गया मुस्लिम्स आर टेररिस्ट्स। दिस हैपेंड इन जेएनयू, इस्लामोफोबिक स्लर अगेंस्ट मुस्लिम्स पब्लिक प्रॉपर्टी में लिख दिया गया। इट इज एन एक्ट ऑफ इस्लामोफोबिया। फिर रोल ऑफ स्टेट आप देख लीजिए, ये एंटी सीए के वक्त जो यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से हमला हुआ था, जेएनयू में कश्मीरी स्टूडेंट्स पर भी हमला हुआ था, खास तौर पे मुस्लिम स्टूडेंट्स पर हमला हुआ था। नजीब अहमद इस पर बहुत मतलब अहम एग्जांपल है यहाँ पे। ये सारे में द रोल ऑफ द स्टेट इज वेरी क्लियर। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं की, होम मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन नहीं की, एसआईटी बोली आप सीबीआई केस को छोड़ दीजिए, नजीब की अम्मी के खिलाफ इतना इंटिमिडेशन किया गया, एंटी टेरर लॉज, हमारे जितने भी साथी हैं जो अभी तक जेल में हैं उनको टेरर लॉज के मुताबिक जेल में अभी तक बंद किया गया है, और एंटी मुस्लिम वायलेंस, जो भी नजीब के खिलाफ जो हमला किए थे या चाहे वो जामिया में जो हमला जो किए थे उनके खिलाफ कभी भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कभी नहीं होगी, और उल्टा उस पर ये जस्टिफाई किया जाता है कि नहीं वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज कर रहे थे, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे थे। नजीब खुद एबीवीपी के खिलाफ पहले वही हमला किया, पहले वो थप्पड़ मारा। हमेशा एंटी मुस्लिम वायलेंस को जस्टिफाई कर देना कि नहीं पहल तो उनकी तरफ से हुई, दिस इज इस्लामोफोबिया। फिर रिस्ट्रिक्ट एक्सप्रेशंस ऑफ मुस्लिमनेस। हाँ, तो अगर हम यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर हम जाएंगे एज अ मुस्लिम, आई मे फेस एक्सक्लूजन, आई मे फेस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट अगर एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है और उसके सर पे हिजाब रहता है और उसे फिर जॉब नहीं मिलता है, और वो ये इंटरप्रेट कर सकती है कि द डिस्क्रिमिनेशन इज बिकॉज शी इज वेयरिंग अ हिजाब, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस्लामोफोबिया एंड ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिंग आउट इस्लामोफोबिया। तो ज्यादा वक्त तो हम ले रहे हैं, तो हम एक बात दो तीन बात कह के और फिर अपनी हम बातें खत्म करेंगे। इस्लामोफोबिया को कॉल आउट करने का एक बहुत अहम हिस्सा यूनिवर्सिटी कैंपसेस में है जो हम अब तक कॉल आउट नहीं किए हैं, और वो है डी इस्लामाइजेशन। अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स विद इन यूनिवर्सिटीज जब अगर रहेंगे जो आपके दाढ़ी होने रखने पर या हिजाब पहनने पर या मुस्लिम नेम रखने पर या नजीब अहमद जैसा अगर आपका नाम है, ऐसे मार्कर्स ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी पर अगर हमला होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? देर इज अ टेंडेंसी टू डी इस्लामाइज द पॉपुलेशन। प्रॉब्लम लेकिन यहां ये है कि हमारी जो सेक्युलर कॉमन सेंस है, एंटी फैशिस्ट एंटी बीजेपी कॉमन सेंस को एक हम कह सकते हैं कि भाई सेक्युलर कॉमन सेंस, वो सेक्युलर कॉमन सेंस लेकिन डी इस्लामिक टेंडेंसीज को सीरियसली नहीं लेती है। वो इसको सीरियसली नहीं लेगी कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को अपने मुस्लिम आइडेंटिटी पर अटैक हो रही है बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, बिकॉज दे आर फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। उनको इस्लाम और मुस्लिम्स का ये जो लिंक है ना, उस लिंक को बरकरार रखने का जो एक मकसद है हमारे पॉलिटिक्स का, हमारे वजूद का एक मकसद है कि हम अपने दीन से अपने लिंक को, अपने कनेक्शन को बरकरार रखें। लेकिन सेकेंड कॉमन सेंस में ये लिंक और ये इस्लाम की पाकीजगी को बरकरार रखना इन द लाइव्स ऑफ एवरीडे लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, वो एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनसे उनको कोई वास्ता ही नहीं है, लेकिन डोंट बॉदर अबाउट इट। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड और हम जब मतलब इस्लामोफोबिया को हम जब कॉल आउट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि व्हाट आर द इंटरप्रेटिव कोड्स ऑफ इस्लामोफोबिया, हम जब इंटरप्रेटिव कोड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डी इस्लामिक एलिमेंट्स को कॉल आउट करने की भी जरूरत है, और ये भी कॉल आउट करने की जरूरत है कि सेक्युलर कॉमन सेंस में कोई सिंपथी नहीं है फॉर डी इस्लामाइजिंग प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट। अभी आप देख लीजिए, शायद थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, वाई आर सो मेनी मुस्लिम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बिल्डिंग ऑफ राम मंदिर?
इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी इस्लामाइजिंग ऑनेस्टली. लेकिन अब सेक्युलर कॉमन सेंस, व्हाट विल सेक्युलर कॉमन सेंस हैव टू से इन दैट? हमारे यूनिवर्सिटीज में जो डिस्कोर्स है, एंटी फैशिस्ट डिस्कोर्स या सेक्युलर डिस्कोर्स, उसमें इसको लेके क्या कहेंगे वो लोग? विल दे कंडेम इट? विल दे कॉल इट आउट? विल दे से के मुसलमानों को राम मंदिर के लिए डोनेशन देने की क्या जरूरत है? इट डज इट गो अगेंस्ट देयर डीन? डज इट गो अगेंस्ट द बिलीव्स ऑफ देयर रिलीजन? उनके लिए ये कोई इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर देम. तो एकेडेमिक स्पेसेस में, यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, वो सिर्फ वो एक्ट्स ऑफ हॉस्टिलिटी, एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस, सिर्फ वो इस्लामोफोबिया नहीं है. हमारी इस्लामिक पहचान को कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं देना, दैट आई कंटेंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इस्लामोफोबिया. और जब हम इस्लामोफोबिया को कॉल आउट कर रहे हैं, जब हम पॉइंट करके बोल रहे हैं कि दिस 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 दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ इस्लामोफोबिया, तो उसमें ये बात भी इस्लामोफोबिक है. दिस इज माई कंटेंशन, एज कॉन्ट्रोवर्शियल एज इट मे सीम. आखिरी में मैं सिर्फ यही बात कहूंगी, इज अ सोल्यूशन टू दिस. आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन. सोल्यूशन देना आई फील मतलब बहुत ही एक थैंकलेस, इट्स अ वेरी थैंकलेस टास्क टू गिव सोल्यूशंस. मुझे लगता है कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है. प्रॉब्लम को पूरे तरीके से एनालाइज करना और इस्लामोफोबिया को एनालाइज करना ही इतना बड़ा एक हेडेक है कि इसका सोल्यूशन अब हम क्या ही दें. तो सलमान सईद सर के आर्टिकल को फिर से रेफर करते हुए सर लिखते हैं कि या इस्लामोफोबिया इज एन सिस्टम विच सपोर्ट्स रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशन. मुस्लिम्स को हमेशा सबसर्वियंट पोजिशन में आप रखें, उनके ऊपर डोमिनेशन के स्ट्रक्चर्स सारे बरकरार रखें, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसीज के हों, यूनिवर्सिटीज के हों, सेक्युलर आइडियाज के हों. तो इन स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन को क्वेश्चन करना, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन का डोमिनेटिंग अंदाज को कॉल आउट करना, आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एंडिंग दिस मैसिव प्रॉब्लम ऑफ इस्लामोफोबिया. स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन ही बहुत सारे हैं मुसलमानों के खिलाफ. और लास्ट में बस मैं यही कहूंगी कि बहुत सारे सोशल मीडिया डिबेट्स में, बहुत जगह मैं ये पढ़ी हूं कि इस्लामोफोबिया बहुत लोगों को ये डिस्टर्ब करता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इस्लामिक, इस्लाम द वर्ड इस्लाम एंड इस्लामोफोबिया, दे डोंट लाइक इट. तो वो कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम फोबिया क्यों नहीं कहते हैं, या कुछ और क्यों नहीं कहते हैं. ऑल द मोर रीजन वाई वी नीड टू यूज इस्लामोफोबिया इज बिकॉज द वर्ड इस्लाम इज देयर. क्योंकि जैसे मैंने कहा, वी कैनॉट डी लिंक मुस्लिम एंड इस्लाम, इसको एक ही सिस्टम में देखने की जरूरत है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी, जो भी है हमारी आइडेंटिटी, we cannot take away the fact that we are followers of the religion of Islam. We cannot wish away that. And as believing Muslims, as practicing Muslims, we would not want to wish away that. So, usi ke saath main discussion apni khatam karti hu. Agar koi bhi aapke comments hai, questions hai, refutations hai, kuch bhi aapko kehna hai, to aap zarur kahe. Feel free to carry the debate forward. Shukriya sunne ke liye.